संदीप डाना ना वो कौन सड़ा कह दे सारे ना गोली दे गाती भी गोली दे दी इसने। एक म्यान में दो तलवार खटावे को नहीं, फिर एक घर में दो खागड़ कुकर, एक तो तू और एक यू। भाई ये तो कटाना पड़ेगा, गुल्लू भी तो कटाए दे, कटाए दे गुल्लू भी पहले खागड़ था पहले। मन से प्रेग्नेंट है रुद्रनाथ, रुद्रनाथ सिंह मन से, नंदी महाराज, भोलेनाथ, भोलेनाथ से, हरियाणा के सबसे बड़े हम का जो नंदी है। हाँ बिल्कुल सही, नहीं है उसके टक्कर में कोई नहीं, जो चीज है वो रियल है। वो कहा करें क्यों पड़ रही है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में है। नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। भाई दोस्तों सबको राम राम, नमस्कार। और भाई आज आए हैं डाणा गांव में, संदीप डाणा सप्तशाणा, इसने फोन करके बुलाना और यो बोलना करा भाई तू एक बार जरूर आना, ऐसा गोवंश दिखाना कि भाई दुनिया ने देखते रह जाना, दुनिया को चौंकाना। भाई संदीप डाणा के पास आए हैं, संदीप डाणा आप दिखाएगा अपनी एक एक करके गोवंश। और संदीप डाणा भाई सारी डिटेल भी देगा, नू भी बताओगा या अंगड़ी पे चोट को कर लगी। संदीप डाणा एक बार बताना भाई, भाई सभी भाइयों को राम राम, जय गो माता की, जय गो माता की। भाई तो एक बार अपनी गौ माता की डिटेल दें भाई, सबसे पहले ये जो गौ माता है इसके बारे में बताएं आप। ये देखें भाई बहुत बिडोल शरीर की है भाई गौ माता। ये हम लेके आए थे गुड़गांव के पास, फरुख नगर और रिजोर्ट होते हैं ना, जहाँ पर ऐसे मतलब पार्क बनाए जाते हैं, स्विमिंग पूल और खेलने के पार्क वगैरह, और वहाँ पर पशु दिखाए जाते हैं जैसे ऊंट, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, कबूतर, मुर्गे, अजीब से तरह के, ताकि छुट्टियों में लोग जो जहाँ पर जाते हैं ना घूमने के लिए, तो वहाँ पर ये दिखाने के लिए कैसी गौ माता रखी हुई थी। और फिर ये मिस हैपनिंग होगी, इसके साथ कुछ बच्चा भी इसका मर गया जी। मिस हैपनिंग, बच्चा कैसे भाई? वो बस जो वहाँ के नौकर थे ना, दूध वगैरह कम पिलाया तो वो मर गया। भाई देखो बच्चे को दूध, किसान साथियों भाई बच्चे को दूध पूरा पिलाओ जितने इस बच्चे की। रवि भाई दूध दोना, दूध दोने का मतलब ये होता है दो थन अपने और दो थन बच्चे के। और शालीन इतनी है भाई, ये इसको ये नहीं पता भाई मारना क्या चीज है, शुद्धि एकदम गौधन। गौ जो कहा करना वह गौ है भाई, या गौवा है। हाँ। शुद्धि एकदम भाई। देखो संदीप डाणा इबे इसने लाया है, नीचे बैठा है, कितनी शांत स्वभाव की सील गौ माता। चौरा ही न्याणा लगा लियो भाई इसका, किसी टाइम दूध निकाल लियो। और आप दूध की बात करा तो अभी फिलहाल यह माता गो माता दूध दे रही है भाई, महीने की ब्याई है। हाँ हाँ, लेकिन यह गाय है ज्यादा ब्याई हुई, ज्यादा ब्याई हुई। हाँ, हाँ। लेकिन तो भी बेचारी जितना दे रही है ना, हाँ हाँ, उतना मजे से दे रही है, मजे से। मैं हर वीडियो में कहा करूँ दूध चाहे 2 किलो कम हो, लेकिन वो शालीनता से दे देना, उस दूध ने अच्छा मान्या करूँ। ठीक है भाई, ई देखियो पूरे वो करना जाऊंगा, इबे पोषा होगी, इबे पोषा होगी, शुद्ध गौ माता है। ये देखो भाई दादा संदीप डाणा एक बार गौ माता का दूध पी के दिखाना। दूध तो शाम ने पीवा है, दूध शाम ने पियोगे। हाँ। भैया गौ माता, अच्छा आप बात करा या सेल के लिए है? सेल के लिए है। हाँ। लेकिन ये सेल हो चुकी है भाई, अपने भाई हैं के एसआई हैं वेदपाल जी चंडीगढ़ से, तो वह है पानीपत के, तो उन्होंने ये सारी जितनी भी गाय हैं अपनी सारी उन्होंने ले रखी है। हाँ, उन्हीं के लिए वहीं से खरीदी थी। तो मैं बताना भूल गया, रिजोर्ट से लेके आए थे जहाँ पर सुंदरता हर चीज की, पशु की, जानवरों की, हर चीज की दिखानी, तो वहाँ पर एक देखने के लिए थी, ये लोगों को दिखाने के लिए कि भाई इसका बच्चा मर गया, भारतीय गोवंश इतना शुद्ध है। हाँ भाई हरियाणा की, और यदुवंशी नाम से है वो, यादव है हमारे। हाँ हाँ। यदुवंशी नाम से उनका रिजोर्ट है। किस जगह पे भाई वो? ये अपने फरुख नगर में गुड़गांव से वापिस फरुख नगर। हाँ, की तरफ हाँ, जाएंगे ना। हाँ। 3 किले हटके है, तो वहाँ पर फरुख नगर से 2 किलोमीटर आगे चलते ही 2-3 किलोमीटर आगे चल के। हाँ, ये अपने वो सोनू भाई है करौली से उन्होंने दिलाई थी। ये अपनी नोरा है, सबके दिलों की जान धड़कन है। इसने थोड़ा सा मुझे दर्द कर दिया। हाँ। नोरा ने बुढ़का भर लिया है। मेरी लापरवाही थी भाई, इसकी बेचारी की कोई गलती नहीं है, मैं इसको गोली दे रहा था भाई, इन्फेक्शन हो गया था जब मैं इसको क्रॉसिंग करवाने के लिए ले गया। भाई संदीप डाणा ना वो कौन छाणा कह दे सारे ना गोली दे, गाती भी गोली दे दी इसने। ना गोली भाई, जब किसी कोई पशु या आदमी कोई बीमार हो जाए, देखो ठीक तो करना पड़ेगा। आ, सही बात है, इनके साथ जी रहे हैं तो इनको मतलब अगर कुछ हो गया तो फिर मेरे को कुछ हो गया। आ, तो ये बात है भाई, इसको हो गया था इन्फेक्शन, डॉक्टर इसका इलाज करवाया तो उसने कुछ गोली बताई हुई थी, डेली 2 गोली देनी थी, डेली 2 गोली। तो फिर मैं सुबह दे रहा था भाई इसने गोली, मैं सोचा इसकी गोली सी रह रही है और वो थी इसकी जाड़ ऊपर का सारा नकुन है,
यो तार दिया इब्नू हदर्द कम है लेकिन वो सुन का टिक्का लगा रखे ददे शाने बुढ़े कहा कर दे अपने फालतू की पड़ी लकड़ी नीच लेनी चाहिए ना ना दे दिया रोज दिया करता मेरा वो ध्यान बाहर खड़ी थी बारिश का मौसम था तो अंदर बांध दिए जी बाहर खड़ी थी और सड़क पर तमाले कोई जा रहा था उसका देखता था मेरी लापरवाही था होगी भाई लेकिन एक चीज का ये पता लग गया भाई देख मैंने वो स्टेटस लगा दिया था तो मेरे पास इतने फोन आए भाई संदीप के बात होगी के बात होगी और जिससे मैं ज्यादा अपना प्रिय माना कर था लेकिन उसने सिर्फ यह बोला कि डीजल डाल लिए उसकी बात पे मैंने हंसी भी आई लेकिन उसने मेरा बेरा भी नहीं लिया तो मैं वो कह रहा भाई आदमी ना आदमी शाना बनाओ है तो उनको इतनी जरूरत को नहीं तो संदीप ने भी जरूरत को नहीं भाई इतनी सही बात आपकी वीडियो के माध्यम से उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ ठीक है लेकिन एक पंथ तो मेरी बात सुन ले संदीप एक पंथ दो काज ना करे भाई क्योंकि वो आपकी वीडियो देखे हैं अगली गाय को आपको दिखाता हूं अगली गाय के बारे में बोलते हुए भाई नोरा ने कर साइड में और इस गौ माता की और डिटेल ये अपनी वो है गौरी 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 गौ माता फार्म की जो अपनी सबसे अच्छी गौ माता एक साल मेहनत की है भाई इसके साथ अच्छा नहीं तो ये किया पता गलत आदमी के पास चल जाती कट भी जाती बहुत भारी भरकम ऐसी ऐसी हम्प वाली गाय लोगों ने बाहर भेज भेज के खत्म कर दी एक साल पूरी मेहनत करी तीन बार गुल्लू के पास भी लेके गया फिर एक भाई नूला जुलाना एक लड़का है वो सेवा कर देगा नूला वहाँ पर रख दे उन्होंने 20,000 रुपया ऐसे कुछ मांगे थे भाई 25,000 रुपया ले लिए लेकिन मेरी गाय ने रोक दी जैसे तैसे करके भाई से सूखी तूड़ी भी करोगे ना आप तो भी तगड़ी हो जाए टाइम पर डाल दो टाइम पर डाल बिल्कुल कमजोर कर दी थी कमजोर फिर मैं उससे मांगे मैंने आ गई याद भाई मेरी गाय की तकलीफ है तो मैं लिया आया इसने मैंने मंगा ली फिर अपना रवि भाई है और सॉरी कपिल भाई कपिल ओड़ा है अपने पास ही उन्होंने फिर इसका हटके दोबारा इसका इलाज कराया अभी अपने सिमन से प्रेग्नेंट है रुद्रनाथ सिमन से नंदी महाराज भोलेनाथ से हरियाणा के सबसे बड़े हम्प का जो नंदी है हाँ बिल्कुल सही नहीं है उसके टक्कर में कोई नहीं जो चीज है वो रियल है वो कहा कह रहे हैं क्यों पड़ रही है चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में उससे अपनी ये प्रेग्नेंट है बात इनकी भी हो रही है एक ये है अपनी गोरी एक वो बड़ी गाय और अंदर एक वो दूध वाली गाय है उसके पास भी लेके चलेंगे और एक ये अपनी रुनायत से आई थी फिर मेरा मित्र है वहाँ पर दौड़ से फिर मैं लेके आया एक इसके फर्स्ट टाइमर ये भी बहुत शालीन है शालीन भाई हाँ। शालीन का तो अपना पहला स्वभाव है भाई तू छाट के सारी चीज देख कर लावा है इसके नीचे से दिखाओ एक बड़ी ऑर्डर कितना बना हुआ है देख ये देखिए और फर्स्ट टाइम है चौथे दांत अभी पूरे आए नहीं है पूरे अभी चौथे दांत तोड़े इसने जुगाड़ भी है वीडियो में आ भी सका होगा देने से जुगाड़ देगी इसकी फोटो है मैं फोटो भी डाल दूँ देख सकते हो चौथे दांत तोड़े हैं अभी सिंगों से और इसके शरीर से लगेगी जो कितनी बड़ी गाय होगी जैसे गाय रूपी है गाय अपना इतना एक महीना अभी ब्याने का बाकी है भाई एक महीना इसका ब्याने का बाकी है अभी अगर आप बात करा जिस तरह प्रेगनेंट इसकी कौन से पंचायती का गढ़ पंचायती से है और वो हमारी किस्मत थी वहाँ से हमने जो उनका नौकर खोल के लेके आया ना वो बड़ी बड़ी गाय ने तो बाड़वा में पूरी मतलब तेज से लटपट हो रही थी अपना फिर अपना बुल से हुई कोनी तो या लटेल दिया और फिर छोटा भी पड़ गया हाइट ज्यादा है फिर हमने इसका रामू का सिमन धरवाया भाई रामू का सिमन मैं ओडा गुल्लू धोरे भी ले जाता इसने लेकिन फिर खुल के हाइट में आई कोनी बोला थी कोनी भैया मान लो चलो छोटा बेसक हो इसका सामना खड़ी तो हो जाए लेकिन ऐसा था फिर मेरे को किराया लगेगा फिर मैंने सिमन धरवा दिया सिमन रखवा दिया फिर आपने और जो अंदर ये गोवन से भाई इसकी और डिटेल दो ये भी अपने वेदपाल भाई के पास आओगी फर्स्ट टाइमर है और मेले से अब लगी है 10 दिन की ब्याई है 12 किलो दूध काटे का तैयार है भाई इसके काटे का तैयार फर्स्ट टाइमर में 12 किलो दूध तैयार है ना वो इतना दूध भाई काट दिया अगर यार प्रॉपर लीव रह जाएगी नहीं तो जाओगी यार दे रखी है 14 किलो दूध निकालेगी भैया फर्स्ट टाइम में 14 हाँ खुराक पे है बात है खुराक पे है तो खुट्टा बदल लिया जिसमें 3 खुट्टे बदल लिए मैं भी व्यापारी से लेके आया हूँ तो पंडित जी हैं अपने व्हाट्सएप पर से उनके पास से लेके आया हूँ बड़ी सुंदर है बचिया बड़ी सुंदर वैसे आपने मैं वो दिखाई लेकिन मेरे घर एक वीडियो पड़ी है 4 आदमियों ने इसकी वीडियो डालूंगा क्योंकि वह दूध निकालने की वीडियो है पूरी भाई 4 आदमियों ने हमने बैठ के दूध निकाला एक चीज बताऊंगा नुका करे नी एक म्यान में 2 तलवार खटावे को नी फिर एक घर में 2 खागड़ कुकर एक तो तू और एक यू भाई ये तो खटाना पड़ेगा गुल्लू ने भी तो खटाए थे एक घर में 2 खागड़ नो कुकर का और आप लोग होते ना शुद्ध है नहीं है उस दिन आपकी वीडियो रहेगी थी मैं था नहीं तो बिल्कुल शांत था अपना नंदी
इसके नीचे भी किस तरह घूमो आप कुछ भी करो। सही बात भाई शांत। अगर आप इसकी बात करा आपने उस दिन भी बताया था कि भाई पिता इसके रामू हैं, पिता इसके रामू हैं, माँ थी फर्स्ट टाइम में इसने इसकी माँ ने 11-12 किलो दूध निकाला था और अपने गुल्लू भाई लेके आए थे सेकंड प्यास में, तब बहनी थी प्रेग्नेंट थी। अच्छा तो पता नहीं दिल्ली दे रखी है कहाँ दे रखी है और ये फर्स्ट टाइम का बच्चा है, फर्स्ट टाइम का बच्चा है। हाँ ऐसी कोई भी गाय नहीं है भाई। रवि मैं आपने बात बता दूं, एक आदमी ने उलट पकड़ रखी है भाई उसका फलानी का गाय कितना दूध होना चाहिए और भैंस कितना दूध होना चाहिए। भाई मेरी जो सोच है कितनी भैंसा ने मतलब दूध रिकॉर्ड करवाए हैं 20-25-37। तो वो वीर साहब ने एक बात कही थी गुल्लू भाई के चैनल पर, चीज बनाओ अपनी ब्रांड बनाओ। सही बात है भाई, ठीक है वीर साहब भाई उनकी कड़ा है वे जिसने दूध रिकॉर्ड करवा रखे। अरे कोई 10-20 काटड़ी तो आई होंगी, आज तक किसी ने रिकॉर्ड करवाया है भाई? भाई देखो इतने झोटे हो रहे हैं। हाँ सारे चैंपियन हो रहे हैं, सारे चैंपियन हो रहे हैं, तो फिर सीमन भी सबके हैं, सबके हैं, तो इस हिसाब से रिजल्ट भी सबके आने चाहिए, सबके आने चाहिए। पहले मैं हर वीडियो में यही कहा करूं भाई, पहली अपनी नस्ल ना बचा लियो, दूध देने वाले तो और भी उगड़े हैं, वो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन मेरी सोच के है पहले अपनी जो शुद्ध नस्ल बचा लेंगे ना, वह बहुत है, ठीक है। जितनी भी गाय ने दूध रिकॉर्ड कराया है, गुल्लू भाई ने भी अपनी घनी 10-15 गाय नितेश भाई ने दे रखी है, ऐसी कोई एक आधी जो फर्स्ट टाइमर होगी वो भी 4 दांत की में उसने जो 14-15 ऐसा कुछ दूध रिकॉर्ड करा के दी है, ठीक है, वो भी एक प्रॉपरली उसके ऊपर केयर करके, आम सराई में अगर 12-13 किलो दूध दे है ना फर्स्ट टाइमर बहुत ज्यादा हुआ है। ऐसी कोई भी गाय नहीं है जिसने फर्स्ट टाइम ने 15 किलो दूध निकाल दिया हो। जितनी भी जो 18-20 किलो दूध की गाय है गिनी चुनी वे है 5 में से 6, 7 में, 8 में ऐसे ब्यात में दूध रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। ऐसी कोई गाय को नहीं है, ये तो पुरानी जो हमारी बुड्ढों की जो धरोहर है ना उनने बेचन लाग रहे हैं भाई। अब अभी जैसे अपनी नोरा बछिया है अपने घर पे मैं ईविया जो दूध निकालेगी ना फिर मैं मानूंगा भाई मैंने ब्रीडिंग करके दिखाई है और फिर मैंने दूध तुलवा के दिखाया है। ये जितनी भी गाय जैसे अभी कितनी बड़ी लंबी तकड़ी गाय है यार, बिल्कुल ये हमारे पुराने बुजुर्गों की तो देन है। सही बात है, उनने उनकी है या भी उनकी चीज हम खरीद के और फिर अपनी नई पुरानी कर रहे हैं, नई पुरानी बछड़ी है। अब आगे बछड़ी या नोरा कितना दूध निकाला फिर इसका दूध रिकॉर्ड करके मैं बताऊंगा ना, फिर पता लगेगा, फिर मैं कहूंगा भाई मेरी होम ब्रीड और मैंने अपनी तैयार करी और पंचायती खागड़ की है, ठीक है। सही बात है भाई, पिता था अब की बार लंपी में मर गया। अच्छा उसकी लास्ट 2 ही बछड़ी है, 1 बछड़ी और है हुबहू अपनी नोरा की तरह। अच्छा हाँ कोशिश यही रहेगी अपनी, जब आगे गाय कम हो जाएंगे उस बछड़ी को वापिस लेके आएंगे। और मेला में तो परी ले आया था, परी कड़ा है, परी अपने विधायक जी है वीरेंद्र समालखा। अच्छा तो उनके पास गई एक शीतल थी एक और उन्होंने अपने गांव में दिला दी, लेकिन विधायक की जगह वहां पर परी है भाई। भाई परी मेला का पूरा केंद्र रही थी संदीप डाणा की वजह से, पूरा केंद्र रही थी, हंसी मजाक पूरा टाइम पास किया परी के सारे अपन है। हाँ मेले में परी ने बहुत दिल लाया भाई। हाँ बहुत शांत स्वभाव की थी वो भी। हाँ भाई ये संदीप बोले, संदीप बोला मेरे थी फोन करके, जब मैंने इसकी पहली वीडियो बनाई उसके थोड़े दिन बाद फोन करके बोलिया तो ने मेरा नाम पका दिया है। नुआ बात है संदीप नाम भाई पकाना यो है नाम, एक बार आदमी ने कटेंट वो चाहिए आदमी ने एक नई चीज चाहिए, मैं अपन कई बार बोलिया करो चमत्कार नमस्कार हो है चीज ना हटके लोग देखना पसंद करे हैं वो अपने मतलब संदीप डाणा इस तरह बोल रहे हैं तो उसमें कई भाई मैंने मिले तो अच्छा लगा भाई आप वो ही संदीप हो गए हाँ डाणे वाले हाँ मैं वही हूँ अच्छा लगा है भाई पब्लिक जब प्यार दे है कुछ अच्छा लगा ना मतलब भाई पूछे हैं तो उसमें अच्छा भी लगा है भाई संदीप डाणा पहचान होनी चाहिए आदमी की किस तरह है वो लेकिन पहचान उस आदमी की होगी अगर पहचान लंबे समय रखनी है तो अच्छी तरह काम करना चाहिए लोगों के बीच में रहना चाहिए और ये पब्लिक है भाई पब्लिक के चढ़ाया कर और पब्लिक के तारिया कर वो कहा करे ना एक फिल्म में डायलॉग भी है या पब्लिक है सब जानती है सब जानती है भाई सब जानती है भाई पब्लिक से प्यार मिले रहेगा जी हमारा पब्लिसिटी का काम है पब्लिक से नहीं जुड़े रहेंगे तो भाई इनके साथ धोखाधड़ी और इनसे विवाद कराएंगे तो फिर फायदा क्या होगा भाई सही बात है भाई ठीक है संदीप भाई और भाई अच्छी चीज लाके और अच्छी चीज देना एक अच्छी थोड़ा कर लेकिन अच्छा कर लो कोई भी हो भाई थोड़ा करो अच्छा करो अपने जो गो सेवक है गोपालक उनके लिए कुछ आप बोलना भाई गोपालक है जैसे अपने के नाम है जो गो प्रेमी जो यंग जो पीढ़ी बनी हुई है ना उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी है भाई गौशाला से लगा लो गोपालन से लगा लो और गो के जो सेल परचेज जो कर रहे हैं उनसे भी लगा लो बहुत से भाई हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं सही बात आम किसान की मदद करो जिसका गोपालन है जिसकी भैंस वंश है उसकी जो अगर सही आदमी के पास पहुंचेगी तो उसकी अपनी मेहनत की जो पूंजी है उसको पूरी प्राप्त होगी भाई पूरी प्राप्त होगी भाई दोस्तों किसान साथियों आपका कोई जैसे ये गाय है 50,000 रुपए की है किसी पे पैसा नहीं लेंदा आप फोन करके बुलाओ हम वीडियो बनावांगे। हाँ अब जैसे ये गाय है मेरी 50,000 रुपए की है और वीडियो के माध्यम से
अच्छा यहाँ के लोकल के यहाँ के 50,000 रूपए लगाएंगे और वो कमाएंगे इससे 30,000 रूपए और वही जो आपके आजकल मतलब 4G का जमाना आ गया, नेटवर्क सिस्टम हो गया, तो पता नहीं लोग कहाँ के कहाँ जुड़ जाए हुए। सही बात है। तो ये गाय अच्छे आदमी के पास, जो दलाल उनके पास पहुंचाएंगे ना, क्या बता आपके चैनल के माध्यम से मेरे पास वो पहुंच जाए तो मेरी ये गाय मेरी 80,000 रूपए की बिक जाए, 30,000 रूपए मुझे मुनाफा हो जाए। सही, ये चीजें हो भाई। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।